हेलो फ्रेंड, आई एम प्रदीप एंड यू आर वॉचिंग टेक गेट। मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि प्ले स्टोर से किसी भी ऐप का लिंक आप कैसे कॉपी कर सकते हो या कॉपी करने के बाद यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। लेकिन बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ उस वीडियो के नीचे जो कमेंट आ रहा है, बोल रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने जब देखा तो देखा कि प्ले स्टोर में एक नया अपडेट आया है। अपडेट आने के बाद जो शेयर का ऑप्शन है वो कहीं और चला गया है, तो उस वीडियो का ही अपग्रेड वर्सन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्ले स्टोर से किसी भी ऐप का लिंक कैसे आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद अपनी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। तो चलिए पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप किसी भी एक एप्लीकेशन जिसे आप शेयर करना चाहते हो अपनी यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या करना है, गूगल असिस्टेंट में यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ। पहले क्या आता था, नीचे शेयर का ऑप्शन आता था, अभी नीचे नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हो थ्री डॉट एकदम टॉप साइड पे, यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हो, इस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद शेयर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, उस ऐप का लिंक कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो उस ऐप का लिंक यहाँ पर कॉपी हो चुका है। या से आप अपनी यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और एक अपग्रेड वर्जन है मेरा अगला जो वीडियो, जो पहले जो वीडियो बनाया था उसे भी जाकर देख सकते हो, वो रैंक करता है यूट्यूब पर 2 नंबर पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ बताना हो तो मुझे कॉमेंट भी करना ना भूलें। बाय बाय।